आज एक आदमी आया अपनी बूढ़ी वालदा को लेके। वो वालदा बिचारी बीमार थी, बूढ़ी थी। मुझे कहने लगा, मेरी वालदा हैं बेचारी, परेशान हैं, अब इनको वहम हो गया, इन पे कोई जादू तो नहीं हो गया है। मैंने उसकी वालदा को देखा, बहुत तकलीफ में थी बेचारी, घुटनों की तकलीफ और बुढ़ापे की तकलीफ। तो मैंने उस नौजवान को देखा, मैंने कहा, यार आप इनकी खिदमत कर रहे हो? कह रहे मैं, हाँ, मैं अकेला ही हूं खिदमत करने वाला। मेरे लिए ना अपने जज्बात पे काबू रखना मुश्किल हो गया। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। जाहिर इंसान तंग आ जाता है ना, एक बूढ़ी मां की 24 घंटे की, और मेरी उसकी मां की हालत को देख के मुझे अंदाजा हो गया कि इसकी खिदमत आसान नहीं, इसकी सुनना बड़ी मुश्किल है। अरे बूढ़ा है बेचारा, बूढ़ा तो बोलता रहेगा, उसको चाहिए कोई सुने। इतना देर सुनना, फिर उसको बर्दाश्त करना। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा, मेरे भाई एक एक सेकंड जो आप बर्दाश्त कर रहे हो ना, एक एक सेकंड खुदा की कसम हज और उम्रे से बेहतर है। इसको हल्का ना समझना, इसको बोझ ना समझना। अल्लाह बहुत नवाजेगा तुम्हें इस खिदमत पे। दुनिया में कुछ हो सकता है, बिजनेस का लॉस हो जाए, जो टाइम दुकान पे बैठने का था वो भी किसको दे रहा है। मैंने कहा, अल्लाह की नजर में ये खिदमत हल्की, दुनिया में इस पे कख भी नहीं मिलेगा। तभी अंग्रेज इससे पहले ही ओल्ड होम में जमा करा देता है, क्योंकि मां ने जो कुर्बानी दी है ना तुम्हारे लिए, वो इससे बढ़कर है। वो भूल जाता है इंसान, और उस पर कोई मोटिवेट करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह को पता है इन लोगों ने तुम्हें जना है। मां ने कुरान क्या कह रहा है, हमलत हु उम्मुहु कुरहन ववजात हु कुरहा। इस मां ने तुम्हें तकलीफ से पेट में उठाया और तकलीफ से तुम्हें जना है। वह हमलुहु वफिसालुहु सलातून शहरा। और जब दूध पीते बच्चे थे ना, 2.5 साल अपनी गोद से चिपका के रखा है इसने, 2.5 साल। एक सेकंड के लिए लगनी होती थी, उस वक्त तुम्हारी मुआशरे को कोई जरूरत नहीं थी। बच्चे का कोई किरदार होता है? किसी काम का नहीं है, फेंक के चली जाती, कोई पूछने वाला नहीं था, ईदी सेंटर में जमा करा देती। कैसे पालती है, कैसे सीने से लगा के